हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक बेहतरीन स्टॉक को लेकर के आया हूँ जिसका नाम है कंफर्ट कमोट्रेड लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपनी ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखें ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, इस शेयर पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसका मार्केट कैप 25.4 करोड़ का है। करेंट प्राइस 25.40 रुपया, बुक वैल्यू 46.40 रुपया है। तो बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे में ट्रेड कर रही है यह शेयर। स्टॉक पी 1.52 का है, आरओसी 50% का है, आरओई 43.8% का है। 52 वीक का हाई लो 27.60 रुपया और 16 रुपया। डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है और फेस वैल्यू 10 रुपया। इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी हासिल करते हैं तो इनकॉर्पोरेटेड इन 2007 कंफर्ट कमोट्रेड लिमिटेड इन द बिजनेस ऑफ कमोडिटी मार्केट एंड इक्विटी मार्केट। तो ये दोनों मार्केट का बिजनेस है इस कंपनी का। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा स्टॉक है, बाकी आप अपने बुद्धि विवेक के अनुसार ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। 1 ईयर का प्राइस चार्ट देखने से ऐसा लग रहा है जैसा कि ये शेयर में अभी हो सकता है कि कुछ समय के लिए कंसोलिडेट करें, बाकी अगर कंसोलिडेट नहीं किया तो ये इसमें अप ट्रेंड बन जाएगी और वो लगभग 30 और 35 के टारगेट को बहुत जल्दी ही अचीव कर जाएगी। बाकी इस शेयर में प्रोज 3 है और कॉन्स 2 है। प्रोज है कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेप्ट, यानी कि डेप्ट को कम कर रही है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.55 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, यानी कि अपने बुक वैल्यू से 0.55 टाइम्स पर ये ट्रेड कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग हैज इंक्रीज्ड बाय 0.99% ओवर लास्ट क्वार्टर, यानी कि 0.99% है लास्ट क्वार्टर में ये इंक्रीज किया है, यानी कि प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाया है। तो किसी भी शेयर में अगर प्रमोटर का होल्डिंग अगर बढ़ना स्टार्ट कर दे, इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि उस शेयर में कुछ ना कुछ अच्छी बातें हैं, यानी कि उसमें प्लस पॉइंट है शेयर को इंक्रीज होने में, यानी कि बढ़ने में, शेयर प्राइस को बढ़ने में। बाकी एक नज़र क्वार्टर रिजल्ट पे, तो मार्च 2024 का जो कि सेल्स था 12.65 करोड़ का, वहीं एक्सपेंस 7.14 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5.51 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 43.56%, अदर इनकम मात्र 11 लाख का है, इंटरेस्ट 0.17 यानी कि 17 लाख का, डिप्रिसिएशन 1 लाख का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5.44 करोड़, टैक्स पेड किया 98.53%, नेट प्रॉफिट मात्र 9 लाख का, जिसके वजह से इस शेयर में ईपीएस 9 पैसा है। तो मुझे तो रिजल्ट अच्छा लगा, बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। एक नज़र ईयरली रिजल्ट पे भी ध्यान देंगे। मार्च 2024 के अनुसार 32 करोड़ का सेल्स है, एक्सपेंस है 8 करोड़ का मात्र, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 24 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 74%, टैक्स पेड किया 26%, यानी कि नेट प्रॉफिट 17 करोड़ का है, जिसकी वजह से ईपीएस 16.68 रुपया। बैलेंस शीट पर नज़र डालते हैं तो इसके पास में रिजर्व 36 करोड़ का है और ब्रोइंग मात्र 7 करोड़ का है, तो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी माना जाएगा। फिक्स एसेट भी है 2 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट इसका 2 करोड़ का है। अदर एसेट काफ़ी अच्छा है इसके पास में 59 करोड़ का, यानी कि 59 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि प्रमोटर के पास में जून 2021 में 46.92% था, जो कि
बढ़ते हुए क्रम में मार्च 2024 तक में 51.25% का हो चुका है और पब्लिक के पास में घटते हुए क्रम में 48.74% का हो चुका है। नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स, नाम मात्र का नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स है इस शेयर में, जो कि 4557 शेयर होल्डर्स है, जो कि जून 2021 में 3479 शेयर होल्डर्स था, यानी कि इन्वेस्टरों की संख्या में इसमें अब वृद्धि हो रही है। जून 2021 के अपेक्षा, यानी कि उसके अनुसार इसमें एक लेटेस्ट अपडेट न्यूज है, जो कि डिस्क्लोजर अंडर रिगार्डिंग 29(2) ऑफ सेबी सेस्ट रेगुलेशन 2011। हाँ, तो जैसा कि लास्ट अपडेट न्यूज है, जो कि कंफर्ट इंटेक लिमिटेड यहाँ पर शो हो रहा है 20 जून 2024 के अनुसार, यानी कि डेट है, सब्जेक्ट डिस्क्लोजर परसुआन टू द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशन 29(2) ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी। तो इस न्यूज को, यानी कि इस वीडियो को पॉज करके और इसमें क्या क्या दर्शाया गया है, इस सब को पढ़ने का कोशिश कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए कि क्या क्या दिखाया गया है। मुझे इसको पढ़ने के बाद में यही समझ में आया कि ये जो न्यूज़ है, इस शेयर के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ है और जिस न्यूज़ के बाद से इस शेयर में काफ़ी अच्छी ट्रेंड बनी है, वो भी अब ट्रेंड बनी है, तो इस शेयर को भी ध्यान में रखना चाहिए एक अच्छे इन्वेस्टर के लिए। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए धमाके के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।